हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे एलईडी टीवी में वोल्टेज मिसिंग हो जाती है या वोल्टेज बनना बंद हो जाता है, स्केलर वर्क करना बंद कर देता है। तो स्केलर पीसीबी को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं या कॉप प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हो बीओई का 2 कॉप का 32 इंची का पैनल है। यही पैनल आपको सैमसंग के टीवी में मिल जाएंगे, सोनी के टीवी में मिल जाएंगे एंड पैनासोनिक के टीवी में मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड में आपको मिल जाएंगे। ओनली फॉर सप्लाई थोड़ी सी रिवर्स होती है और राइट या रिवर्स रहेगी। अभी 32 इंची का आप मान लो इसको चाइनीज टीवी ही है, ऐसे इस पर लिखा हुआ क्रोमा है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आगे का हम प्रोसेस जानेंगे। तो ये मल्टीमीटर रहा और मल्टीमीटर को हम यहाँ पे ग्राउंड पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पूरा वर्क को जानेंगे कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम, अगर पिक्चर नहीं आती है टीवी में तो हम कैसे, कहाँ पे, कौन सा वोल्टेज और किस कंडीशन में हम रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं HDMI से ग्राउंड ले लिया हूँ, आप भी वहाँ से ग्राउंड ले लेना। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा 12 वोल्ट पे। तो ये है जो VCC वोल्टेज जो मदरबोर्ड से लेके और स्केलर में एंट्री करती है, ये वोल्टेज है। और देख सकते हो बैकलाइट टीवी ऑन है, बैकलाइट जल रही है अंदर। तो यहाँ पे बननी चाहिए मेरा प्रॉपर 12 वोल्ट। तो ये प्रॉपर 12 वोल्ट बन रही है। इसके जस्ट आगे में यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट बननी चाहिए। तो 12 वोल्ट ठीक ठाक बन रही है। इसके आगे एक और फ्यूज लगा हुआ है, वहाँ पर भी आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ये VGL का पॉइंट है, यहाँ पे VGHF लिखा है, यहाँ पे बननी चाहिए हमारी 8 वोल्ट के लमसम में। तो हम जैसे यहाँ पे लगाते हैं तब -8 वोल्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये भी एकदम बिल्कुल ओके वोल्टेज है। और इसके आगे आ जाते हैं हम, जस्ट आपके बगल में देखते हो कैमरा पे आपको दिख जाएगा AVDD लिखा हुआ है। ये वाली ये AVDD जो फ्यूज लगा हुआ है आपको, जो जीरो टाइप का रेजिस्टेंस लगा वो भी AVDD का वोल्टेज क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे 16.4 वोल्ट बन रही है। और आगे आ जाते हैं हम यहाँ पे ढूंढते हुए VGH VGL, सारे वोल्टेज को हम ट्रैक करेंगे। अभी जो ये IC है, ये IC DC to DC है और ये वाली आपको मेमोरी हो गई, ये गामा IC है, ये वाली गामा IC है दोस्तों। और गामा का आपको वर्क पता है कि वाइड डिस्प्ले या पिक्चर क्रिएट करने में प्रॉब्लम करती है तब है। और ये रहा मेमोरी जो सॉफ्टवेयर के लिए होती है, और आपको पिक्चर IC भी दिख गई। आगे आते हैं हम वोल्टेज चेक करने के लिए। तो यहाँ पे है 7 वोल्ट, देख सकते हो यहाँ पे VGL वोल्टेज बिल्कुल ओके है। इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे VGL VGH लिखा हुआ मिल जाएगा, बट रहता नहीं है VGH, ठीक है। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे VGH का भी पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे बनती है 3.3 वोल्ट। जो 3.3 वोल्ट जब बनेगी तभी VGH वोल्टेज बनेगा दोस्तों, तभी स्विचिंग जो IC है DC to DC वो वर्क करना स्टार्ट करता है। जो ये फ्यूज देख रहे हो यहाँ पे आपको देख सकते हो VGH बन रही है, जो कि 30 वोल्ट बन रहा है प्रॉपर। तो ये भी ओके है। तो इसके मतलब क्या है कि आपका स्केलर बोर्ड बिल्कुल ओके है। अगर इतना वोल्टेज बन रही है तो आपके स्केलर बोर्ड ओके है, अगर ये वोल्टेज नहीं बन रही है तो आपको स्केलर बोर्ड में प्रॉब्लम है। अब कॉप की प्रॉब्लम जो रिपेयर करते हैं वो बॉन्डिंग मशीन से होता है, और ये प्रॉब्लम हम यहाँ से रिपेयर करते हैं। तो ये सारा कंडीशन आप रिपेयर कर सकते हो। DC अगर प्रॉब्लम है तो DC to DC IC खराब हो सकती है या मेमोरी खराब हो सकती है।